हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो आज हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने कंबशन के बारे में पढ़ा था, आज हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स, किसके हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोकार्बन्स के। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। कि जब हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन की पोजीशन होती है, जब उस हाइड्रोजन को, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को जब कोई दूसरा एटम, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन, तो जब कोई दूसरा एटम उनकी उनको रिप्लेस कर देता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स शो करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, दो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी एल्केन्स। तो ये उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो इसमें जो हम एग्जाम्पल देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो हम देखेंगे क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि हम अपने हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हमारा हाइड्रोजन है, हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे? क्लोरीन एटम के साथ रिप्लेस करेंगे, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। और क्लोरीनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सबसे सिंपलेस्ट एल्केन लिया है। क्या है मेरा एल्केन? मिथेन है, ठीक है, मैंने मिथेन लिया है। अब मिथेन के अंदर क्या है? फोर हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो अब जब मैं इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो होगा क्या कि यहां पर ये जो एक क्लोरीन है, ये इसके एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और यानी कि ये क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा, तो अब मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोमिथेन, ठीक है, क्लोरोमिथेन और HCl फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्लोरोमिथेन भी कह सकते हो या फिर मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। इसको क्लोरोमिथेन भी बोल सकते हो या फिर मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। मिथेन इसलिए क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन है, ठीक है। लेकिन अब ये मेरा प्रोडक्ट बना, लेकिन अब ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है, अगर मैं इसके अंदर कंटिन्यूस एक्सेसिव क्लोरीन एटम के साथ इसका रिएक्शन करवाती चली जाऊं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो हमारा क्लोरोमिथेन है या ये जो मेरा मिथेन है, ठीक है, इसके जो सारे हाइड्रोजन एटम्स को ये क्या कर देगा? क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। तो दोबारा से जो मेरा प्रोडक्ट बना क्लोरोमिथेन, उसको मैंने यहां पर लिखा, ये मेरा क्लोरोमिथेन है। क्लोरोमिथेन को दोबारा से मैंने क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करवाया इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर क्या हुआ कि इस हमारे एक क्लोरीन एटम ने क्या करा, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट बना, इसके अंदर क्या है? दो क्लोरीन अटैच हो गए हैं, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना? डाइक्लोरोमिथेन। और यहां पर क्या बन गया? HCl बन गया। अब क्योंकि हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते जा रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यही होती है कि ये जो क्लोरीन होता है ये सारे हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। तो दोबारा से मैंने डाइक्लोरोमिथेन को दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब इस क्लोरीन ने इसका थर्ड एटम भी क्या कर दिया? थर्ड हाइड्रोजन एटम भी क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। अब मेरे प्रोडक्ट के अंदर तीन क्लोरीन एटम्स हैं, तो क्या बना? ट्राइक्लोरोमिथेन। अब लास्ट स्टेप क्या होगा? इस ट्राइक्लोरोमिथेन को दोबारा हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये इसका जो फोर्थ हाइड्रोजन एटम है उसको भी रिप्लेस कर देगा और मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? टेट्राक्लोरोमिथेन, ठीक है। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, लास्ट जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आ जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो आती है थर्ड प्रॉपर्टी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब कोई चीज ऐड करना। अब एडिशन रिएक्शन जो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है।
तो हम एल्कीन्स के अंदर या फिर एल्काइन्स के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होता है, कैटलिस्ट होता है ना, तो इसकी प्रेजेंस में इनको हीट किया जाता है। और होता क्या है कि जो हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एडिशन रिएक्शन यही होता है कि जब हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर किसी सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, और हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे पहले हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, लेकिन वहां पर हमें HCl भी मिल रहा था, लेकिन एडिशन रिएक्शन के अंदर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। हमेशा एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, और ये कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में किए जाते हैं। तो एडिशन रिएक्शन किन की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैंने इथीन लिया, इथीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, हमने इसको हीट किया, तो हमारे पास क्या बना, इथेन बना। अब भाई जब आप CH2 है, हमारे पास CH2 था इस तरीके से, ठीक है, ये है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जब हम एक एक हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे, यहां पर मैं एक हाइड्रोजन लगा दूंगी, यहां एक और हाइड्रोजन लगा दूंगी, तो मुझे यहां से डबल बॉन्ड हटाना बनेगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इथेन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाना सिंगल बॉन्ड में, या अनसेचुरेटेड से कन्वर्ट हो जाना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उनको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल आता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में हम देखते हैं कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जो हम कुकिंग ऑयल अपने घरों में यूज करते हैं, वो अनसेचुरेटेड स्टेट में होते हैं। अनसेचुरेटेड मतलब उनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, हम कुकिंग ऑयल जो भी यूज करते हैं। लेकिन जब हम इनकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना इन अ प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, तो होता क्या है, हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड आ जाता है, और अब ये कैसे हो जाते हैं, लिक्विड से सेमी सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में, और इनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, जो वेजिटेबल घी है या डालडा होता है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब जो हमारे जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये जो सेचुरेटेड, ये जो वेजिटेबल घी है या ये जो डालडा बना, ठीक है, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ठीक है, अगर हम इनको लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो हाइड्रोजिनेशन इसलिए की जाती है कि ठीक है कि ये क्या करता है, इस मतलब प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, टेक्सचर या टेस्ट को इन्हांस करता है, लेकिन ये जो सेचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल घी में डालडा हो गया, या जो भी सेमी सॉलिड फॉर्म है या बटर हो गया, अगर आप इनको लार्ज अमाउंट में लोगे तो कार्डियक प्रॉब्लम्स ये आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन के। तो एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही शो करते हैं, तो ये उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।